वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद प्रियंका कश्यप अगर आप अपनी चार्ट एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि मार्केट आर्ट्स के दौरान जो कुछ भी बनता है वो सब कुछ हम आपको यहाँ पर अपडेट कर देते हैं आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने आपको मॉर्निंग में अपने सभी इंडक्सेस के इंपॉर्टेंट लेवल्स हमने आपको यहाँ पर सेंड कर दिए थे देन बैंक निफ्टी में फाइव मिनट में बुलिश शरा कैंडल स्टिक पैटर्न हमने आपको बताया तो फिर निफ्टी में हमने आपको फिफ्टीन मिनट में हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न बता दिया था और कहा था कि इसका लो ब्रेक हमारा यहाँ से होना चाहिए निफ्टी में भी हमारा यहाँ पर हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न था और इसके बाद से यहाँ पर मार्केट हमारी डाउन साइड ही थी देन फिर निफ्टी में हमने आपको एक कंसोलिडेशन रेंज बताई थी और कहा था कि जिस भी साइड इसका ब्रेक होगा देन आपकी एंट्री बनेगी और आप देख सकते हैं से हमारा हाई ब्रेक हुआ था उसी के बेसिस पर हमने अपने यहाँ पर एक कॉल पोजिशन बैंक निफ्टी में हमने आपको बता दिया था कि हमारा शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न है बट यहाँ पर डाउन साइड होल्ड होने पर आपकी एंट्री आ सकती है और उसके बाद आपको पता है कि यहां से मार्केट हमारी सिर्फ डाउन साइड ही थी और हमने उसी के बेसिस पर आपको यहां पर एक एजुकेशन परपज के लिए हमने आपको फोर्टी एट थाउजेंड वन हंड्रेड की हमने आपको एक पुट दी थी और उसने जो लास्ट में हमारा हाई लगाया है वो हमारा यहाँ से फोर हंड्रेड फाइव का लगाया है क्योंकि मार्केट आज ओवरऑल तो सारा दिन कंसोलिडेट थी जितनी मार्केट डाउनसाइड आ रही थी अगेन 15 मिनट की कैंडल हमारी ऑफसाइड थी यानी प्रीमियम हमारा यहां पर बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हो रहा था लास्ट में थ्री फिफ्टीन के बाद मार्केट में थोड़ी हमारी यहां से सेलिंग जरूर आई है तो आप जो भी अगर जानना चाहते हैं कि मार्केट आर्स के दौरान हमारा क्या बन रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो चलिए फिर अब ये देखते हैं कि कल आप फिन निफ्टी में कैसे ट्रेड करके चलेंगे क्योंकि कल फिर निफ्टी की हमारी वीकली एक्सपायरी है तो सबसे पहले हमने आपके लिए फिर निफ्टी का यहाँ पर टू हार का टाइम फ्रेम का हमने आपके लिए चार्ट लगाया है और आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्केट हमारे यहाँ से थर्टीन को फोर्टीन को फिफ्टीन को और एटीन को यानी आज भी मार्केट हमारे सिर्फ इन दो लेवल्स के बीच में ट्रेड कर रही है और ये दो लेवल है हमारे ट्वेंटी थाउजेंड का और देन 21357 का ये दो जो लेवल है हमारे लिए मार्केट इसी के बीच में यहाँ पर ट्रेड कर रही है आप यहाँ देख सकते हैं फोर टू फोर डेज हमारे यहाँ पर हो चुके हैं तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो कल हमारी अगर मार्केट इस रेंज का यहाँ से यानी अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है और इस लेवल को यहाँ से ब्रेक कर देती है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि डाउन साइड हमारा एक यहाँ पर गैप है काफ़ी ज़्यादा आपको पता ही है फोर्टीन डेज को मार्केट यहाँ पर हमारी गैप अप ओपन हुई थी तो ये आपके लिए गैप बना हुआ है तो अगर मार्केट यहाँ पर इस गैप डाउन ओपन हो जाती है यानी ट्वेंटी के लेवल के डाउन साइड ही ओपन होती है तो ये गैप आपको यहाँ से फिल होता हुआ नजर आएगा और मार्केट में यहां से आपको सेलिंग देखने को मिलेगी लेकिन अगर वो फ्लैट ओपन होने के साथ भी इस लेवल को अगर ब्रेक करती है तो आपकी यहां से जीरो आप से बेस्ट टू अपना सेटअप पर बनाकर चल सकते हैं तो हमने आपको बता दिया है कि आपको जीरो टू सेटअप कब बनाना है कि जब इसका यहां से हमारा लो फ्लैट ओपन होने के साथ अगर ये इस लेवल को ब्रेक करेगी तो देन आप यहां से अपना जीरो टू सेटअप मार्केट आर्ट के दौरान आप बनाकर चल सकते हैं हाँ अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के ना साथ आज के हाई को ब्रेक कर देती है देन आप यहाँ से अपने फिर से कॉल बाई करके चलेंगे और फिर आपके लिए यहाँ पर मार्केट अब ट्रेंड में ही यहाँ पर आपको नजर आएगी क्योंकि एक्सपायरी से पहले अगर हमारी मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट हो जाती है तो एक्सपायरी के दिन हमें उसका मूव देखने को मिलता है तो फिर निफ्टी का मूव कल को यहाँ पर देखने को मिल सकता है अगर इसके डेली टाइम फ्रेम की भी बात करें तो हमने आपको ये पैटर्न बताया था कि हमारा यहाँ पर एक पैटर्न बना हुआ है जिसको हम यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न बोलते हैं हमने आपको ये बताया था कि थर्सडे को हमारा ये पैटर्न हमारी यहाँ पर फॉर्मेशन हुई थी तो आप देख सकते हैं कि फ्राइडे को मार्केट ने इसके हाई को यहाँ पर ब्रेक करने की कोशिश तो की थी बट मार्केट यहाँ से हमारी होल्ड नहीं हुई है इस कैंडल पैटर्न के अपसाइड और आज भी देखें तो मार्केट हमारी सिर्फ ओवरऑल कंसोलिडेट थी लेकिन इन दो लेवल्स के यहाँ पर बीच में ही मार्केट हमारी ट्रेड कर रही है आज जो कैंडल बनी है वो भी हमारी यहाँ पर बियरिश कैंडल बनी है तो अगर हमारा यहाँ से थर्सडे का या फ्राइडे का हमारा लो ब्रेक हो जाता है तो देन आपको यहाँ पर मार्केट में सेलिंग देखने को मिलेगी तो चलिए फिर अब ये देख लेते हैं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेंस और सपोर्ट हमारे क्या निकल के आएंगे जिसके ऊपर आपने कल को ट्रेड लेकर चलना है क्योंकि हम यहाँ पर इंटर डे में ट्रेड करते हैं तो इंटर डे में किस तरीके से ट्रेड करनी है वो हम यहाँ पर अब जानेंगे सबसे पहले जो हमारे लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेंस का लेवल काम करेगा वो हमारा ट्वेंटी का रहेगा क्योंकि आज भी मार्केट में हमें यहीं से सेलिंग हमें थोड़ी देखने को मिली है और फ्राइडे का भी हमारा ये हाई था लास्ट में भी मार्केट ने यहीं से सेलिंग दी थी अगर उससे पहले भी देखे तो थर्सडे का भी हमारा ये हाई था तो मार्केट ने यहीं से हमें सेलिंग दे रही है तो ये लेवल आपके लिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस का काम अगर वो तो देन आपको एक अच्छा यहाँ पर देखने को मिलेगा बट आपको यहाँ पर होल्ड होने पर अपनी एंट्री को लेकर चलेंगे क्योंकि अगर आप यहां देखें तो हमारा जो शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न हमारा थर्सडे को बना था यहाँ पर फ्राइडे को मार्केट ने उसको ब्रेक करने की कोशिश तो की थी बट होल्ड नहीं हुई थी और यहीं से डाउन साइड थी तो आप आपको इस लेवल के अपसाइड यहाँ पर मार्केट को होल्ड होने देना है देन आप यहाँ पर अपनी बेस्ट ट्रेड को बनाकर चल सकते हैं यानी जब इसका ब्रेकआउट हो तो आफ्टर रीटेस्ट आप अपनी यहाँ पर एंट्री को लेकर चलेंगे और देन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट नेक्स्ट रजिस्टेंस रहेगा ट्वेंटी वन का हमारा रहेगा अगर ये लेवल हमारा यहाँ से ब्रेक हो जाता है तो देन मार्केट में अगेन आपको काफ़ी ज़्यादा अपसाइड यहाँ पर बाइंग नजर आएगी और वो हमने आपको बैंक निफ्टी के बेसिस पर हम आपको बता रहे हैं हमने आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से बताया था कि बैंक निफ्टी का हमारा टारगेट क्या है अगर सपोर्ट की बात करें तो जो कि हमें ज़्यादा सिनेरियो यहाँ पर लग रहे हैं कि मार्केट कल को यहाँ से डाउन साइड आएगी तो ट्वेंटी वन थाउजेंड फोर हंड्रेड नाइन्टी का हमें यहाँ पर सपोर्ट हमें नज़र आ रहा है फर्स्ट दैन सेकेंड हमारा रहेगा ट्वेंटी वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड फिफ्टी फाइव का क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा जो ट्वेंटी वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड 55 का जो लेवल है ये हमारा स्ट्रॉन्ग सबसे ज्यादा स्पॉट है हमने आपको ये अपनी लास्ट वीडियो में भी फिर निफ्टी की बताया था कि जिस दिन भी ये लेवल हमारा यहाँ से ब्रेक हुआ और मार्केट यहाँ से डाउन साइड होल्ड होना स्टार्ट हुई तो देन आपको मार्केट में एक सेलिंग नजर आएगी क्योंकि ये हमारा यहाँ पर गैप एरिया है अगर यहीं से ही मार्केट कल को आप ध्यान से सुनिएगा अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है यानी थोड़ी यहाँ से गैप डाउन भी ओपन होती है और इस लेवल का अगेन सपोर्ट ले लेती है और यहीं से कोई हमारा बुलिश पैटर्न बना देती हो देन आप अगेन यहाँ से अपनी बाइंग साइड आप जा सकते हैं क्योंकि जितने भी पर फिर पुट राइटर होंगे यहाँ से एक्टिव हो जाएंगे और अपसाइड को ले जाने की कोशिश करेंगे नेगेटिव सीनेरियो नहीं है सिनेरियो जब हमारा वीकली टाइम फ्रेम पर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न हमारा बनेगा देन ही हमें यहाँ से मिलेगा तो अगर कल को यहां पर इस लेवल पर आपको कोई बुलिश पैटर्न मिल जाता है थर्टी मिनट में अगेन बाइंग करके चलेंगे लेकिन अगर फ्लैट ओपन होने के साथ होती है

प्रॉफिट हमारा हुआ है तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है थैंक यू